प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। चुनाव समिति, अभियान समिति और ऑब्जर्वर की नियुक्ति के बाद अब कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। यूपी के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और सांसद सप्तगिरी उल्का इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी सचिवों को इस समिति में पदेन सदस्य बनाया गया है। राजस्थान के अलवर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले भंवर जितेंद्र सिंह को इस टीम का चीफ बनाया गया है। जितेंद्र सिंह केंद्रीय खेल और रक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग से आने वाले यूपी के पूर्व पीसीसी चीफ अजय कुमार लल्लू इस कमेटी में मेंबर हैं। लल्लू यूपी की पिछली जाति से आते हैं, वो यूपी में विधायक भी रह चुके हैं। एक बार फिर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में आदिवासी वर्ग को आकर्षित करने के लिए सप्तगिरी उल्का को भी मेंबर बनाया गया है। उल्का उड़ीसा की कोरापुट लोकसभा सीट से सांसद हैं। उल्का उड़ीसा राज्य में कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के टिकट वितरण में अहम भूमिका रहेगी। इस कमेटी के सदस्य स्थानीय परिस्थितियों, सामाजिक समीकरणों और सर्वे के फीडबैक के आधार पर टिकट की सिफारिश करेंगे। अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि हम आपसे जुड़ी हुई हर खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे।